सुहाग की साड़ी मुंशी प्रेमचंद। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ थी। गौरा को सहभोज से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर, अपरिहार्य समझती थी, इसलिए वह नर्म गरम, कांग्रेस, स्वराज्य, होम रूल सभी से विरक्त थी। कहती, ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे, चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे, राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेशवृद्धारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आवृषित कर देते हैं। वे प्रचंड झोंके नहीं जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सदिच्छा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। दो विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। स्वयंसेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े हो होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांग कते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाड़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख, नयन दुख, मलमल और तंजेब तनबेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दूं। गौरा, अरे तो इसी घड़ी कोई साइट निकली जाती है, फिर कभी दे देना। रतन, वाह, लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। गौरा, तो यह कुंजी लो, निकाल कर दे दो। मगर यह सब है लड़कों का खेल। घर फूंकने से स्वराज्य न कभी मिला है और न मिलेगा। रतन, मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपच्ची की थी और उस समय तुम मुझसे सहमत हो गई थी, आज तुम फिर वही शंकाएं करने लगी। गौरा, मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन, अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वह करो। गौरा, लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे ना। रतन, सब देने पड़ेंगे, विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में रामठल साईस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं, कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर लगाना है, कोई गाड़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए, मैंने भी अपने कपड़े दे दिए। केसर महरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं। रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी, लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा है, आधा जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलाया था। गौरा ने पूछा, क्या सूट भी निकाल दूं? रतन, हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? गौरा, यदि मैं यह जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती। सारे रुपये खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गई। उनमें कितनी ही बहुम लिया फैंसी जाकेट और साड़ियाँ थीं जिन्हें किसी समय पहनकर वह फूली न समाती थी। बाज बाज साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़े थे, पर इस समय सबकी सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने ही में कुशल समझते थे। तिस पर भी दो एक बार वाद विवाद की नौबत आ ही गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वह झगड़ बैठे, उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौरा ने एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टिनके हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गौरा, कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन, तंजेब की है तब तो जरूर ही विलायती होगी, उसे अलग क्यों रख लिया? क्या वह बनारसी साड़ियों से अच्छी है? गौरा, अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे न दूंगी। रतन, वाह, विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा, लाओ इधर। गौरा, नहीं, मेरी खातिर से इसे रहने दो।
रतन तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज न रखी, मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूँ। गौरा पैरों पड़ती हूँ, जिद न करो। रतन स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहो रख लो, लेकिन इस विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने, यह गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता। लाओ इधर, गौरा मैं इसे न दूंगी। एक बार नहीं हजार बार कहती हूँ कि न दूंगी। रतन मैं इसे लेकर इस गुलामी के पटके को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। गौरा नाहक जिद करते हो। रतन आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है। गौरा तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो। इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी रख ही ली तो क्या। रतन तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। गौरा खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, चार दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। रतन तुम केवल इतना बतला दो कि यह साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है, तो शायद मैं मान जाऊं। गौरा यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन जरा देर सोचकर, तब तो मैं इसे कभी न रखूंगा। मैं विदेशी वस्त्र रखो यह शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूंगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। गौरा कैसा इस गुण मुंह से निकालते हो। रतन ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अशकुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। गौरा यूं चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ, पर खुशी से न दूंगी। रतन तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके कि गौरा के हाथों से साड़ी छीन लूं। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम। केसर महरी बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बड़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया। उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर यही सही। तीन शाम हो गई थी। द्वार पर स्वयंसेवकगण शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब जल्दी आइए, श्रीमती जी से भी कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असम जस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूँ, पीछे नहीं हट सकता, लेकिन प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करना अभीष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आशय पर लक्ष्य रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। त्रिया हट के सामने किसी की नहीं चलती। यूं चाहूं तो एक ताने में काम निकल सकता है, पर उसे बहुत दयक होगा। बड़ी भावुक है, उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग। कितने अशकुन की बात है, ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं। अपनी धुन में किसी की सुनते नहीं, बिगड़ते हैं तो मानो मुंह ही नहीं सीधा होता। लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूर हैं, झूठ से उन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बड़ा दयक होगा, घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेशानुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करें। कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी, लोग समझेंगे बना हुआ है। पर शकुन की चीज कैसे दूं। इतने में उसने रामथल साइस को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर महरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए थी। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानी की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि उसकी निगाह बचाकर निकल जाऊं। गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें दब पाई हुई हैं। वह राह रोककर बोली, जरा सुनते जाओ रतन, जाने दो, दिख न करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लूं, पर गौरा ने उसे उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौर से पड़ा और एक क्षण चिंतामग्न रहने के बाद बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ। रतन रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया। गौरा मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। रतन यह तो मैं तुमसे पहले कह चुका था। गौरा मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। रतन जब तुम इसे देना अशकुन समझती हो तो रहने दो, तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौरा नहीं, लेते जाओ। मंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है एक रंग जाता है, जैसे कोई रोगी अंतरस्थ हुई शम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो।
उन्हें अपनी अहृदयता पर लज्जा आई। हाँ, केवल अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए, मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ। यह अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़े डालता हूँ। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम न ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊंगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले आए। चार, उसी दिन से ग रा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गई, किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी। पर यह आशंका एक मेघमंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती ही गई, तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उसका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वह अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर अब अपने गांवों से बाहर न जाते, या जाते तो संध्या तक जरूर लौट आते। उनकी एक दिन की देर, उनका साधारण सिर दर्द और जुकाम उसे अव्यवस्थित कर देते थे। वह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वह तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी। इधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर रिद्धि प्रदायिनी भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। पांच, गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब के संभालने और नियत स्थान पर रखने में वह इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी थी। कारण यह था कि केसर महरी उसके जाने के दूसरे ही दिन छोड़कर चली गई थी और अभी उतनी चतुर दूसरी महरी मिली न थी। कुंवर साहब का साइस रामठल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकट का होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावे। यह मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने का अवकाश ही न मिला। गौरा, मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता। यहीं बैठकर कुछ बातें करो। रतन, नहीं, चलो देखावें, 1 घंटे में लौट आवेंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार कभी इतनी रौनक पर न था। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, रामठल, तुम अब कहाँ हो? रामठल का चेहरा श्रीसंपन्न था। उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा रामठल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो अपना काबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी, तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई, हमारा भी गुजर हो रहा है, नहीं तो आप जानते ही हैं कि किस हालत में पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन, तो भाई अब मुंह मीठा कराओ। यह बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी, बिक्री तो अच्छी होती है। रामठल, हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है, माल हाथों हाथ उड़ जाता है। यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गया है, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे वे बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है, और क्या चाहिए। मिल्किन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शकुन की चीज की परवाह नहीं करते, तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखे। जिस दिन होली जली है, उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे। उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूंगा कि यह सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेर स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहूजी, मुझे भूल तो नहीं गई। गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर महरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुए थी, हाथ पांव में मामूली गहने भी थे, चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रस्फुटित हो रहा था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी, अब कहाँ हो, हमें लौटने भी न दिया, बीच में ही उड़ भागी। केसर, क्या करूँ सरकार, अपना काम चलते देख कर सबर न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था, तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल कर्म कुक्रम सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौटे हैं, अब दूसरा काम नहीं किया जाता।
अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए न चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। एक महीना पहले इन दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना न था। कोई साईसी करता था, कोई तासे बजाता था, यहाँ तक कि कई आदमी मेहतर का काम करते थे, कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लग गए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हूँ, सैकड़ों जवानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी रानर जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उस्क सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थी। आंखें सजल हो गई थीं और सुहाग की देवी अश्रुसंचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। 6. जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियां जल चुकी थी। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? गौरा, नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। रतन बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा, यह जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हों और किसी से किराया न लिया जाए। रतन, बहुत खर्च पड़ेगा। गौरा, मकान बेच दो, रुपये ही रुपये हो जाएंगे। रतन, और रहें? पेड़ तले? गौरा, नहीं, गांव वाले मकान में। रतन, सोचूंगा। गौरा, जरा देर में इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ, जो कपास बोए उसकी बेगाड़ माफ कर दो। रतन, हाँ, तदबीर अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। गौरा कुछ देर सोचने के बाद, लकड़ी बिना दाम दो तो कैसा हो? जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। रतन, लूट मच जाएगी। गौरा, ऐसी बेईमानी कोई न करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलो लेकर रहा हो।